Hey guys, welcome back to the channel again, and we have Ronnie again with us. So slowly we are going to talk in Hindi in this video also. So for this video I have some questions Ronnie ke liye. Mera kuch question hai, that is about the Oscar fishes that you can see over here, this one and this one. So Ronnie, मुझे पता है कि तुम्हारे पास ऑस्कर्स था, काफ़ी ऑस्कर्स था, मेरे पास भी तुमने देखा काफ़ी ऑस्कर्स. तो ऑस्कर एक ऐसा फिश है कि कोई भी फिश कीपर जो कुछ दिन से मछली रख रहा है घर पे, तो उसके पास होगा ही होगा. होगा क्यों? होगा मतलब क्यों होता है? इसमें क्या ऐसा स्पेशलिटी है कि ऑस्कर सब रखते हैं? मतलब मेरे को जो लगा, हाँ वही मैं सुनना चाहता हूँ. मेरे को जो लगा कि मैं देखा कि ये मछली है, पहले एक बार पहले मैंने ऑस्कर को देखा, तब देख के पता चला कि ये भी जिंदा फिश खा जाता है. एग्रेसन. हाँ. तो मैंने सोचा ऐसा भी मछली होता है कि जिंदा फिश खा जाता है. शिकारी शिकारी शिकारी. हाँ. तो मैंने सोचा कि एक तो खरीदना पड़ेगा इसको ट्रायल. हाँ. तो तब मैंने दुकान पे गया, तो ये बात मैं 2-3 साल पहले के बुक कर रहा हूँ. तब मैंने दुकान पे गया तो जाकर देखा कि ऑस्कर है, तो बड़े साइज का था इसका, मतलब इन दोनों के जैसा ही बड़े बड़े साइज का था. तो मैंने सोचा दुकान पर जाया, जाकर बोला कि कितने का है ये, तो बहुत दम बोला. तब बहुत दम बोला तो तब मैंने नहीं खरीदा वो. तब उसके बाद छोटा छोटा मछली आया ऑस्कर, तो उसको खरीदा. तो वो मेरे पास था, बहुत दिन से था, बड़े भी हो चुका था. तब मैंने देखा, मैं खुद एक्सपीरियंस किया कि हाँ ये जिंदा मछली खाता है, बहुत एग्रेसिव फिश भी है. तो मेरा कहना ये कि इसका एग्रेशन के लिए ही सब खरीदता है इसको, ऑस्कर्स को. हाँ. और उसके बाद इन लोगों में एक प्रॉपर चीज है कि ये ज्यादा बड़ा नहीं होता, मतलब इन लोगों के लिए 3 फीट से ज्यादा का टैंक नहीं चाहिए. उसके बाद इन लोगों में बहुत अट्रैक्टिव कलर्स होते हैं, और सबसे जो बेस्ट मुझे लगता है कि ऑस्कर्स में एक अलग ही एटीट्यूड होता है. मतलब इन लोगों में, ये लोग गोल्ड फिश के जैसे नहीं है कि गोल्ड फिश को एक टैंक से उठा, दूसरे टैंक में छोड़ दिया, उसके बाद खाना दिया तभी खाने लग गया. हाँ. इन लोगों से नहीं होगा ये, इसको टाइम चाहिए थोड़ा सेट होने में. एक प्रॉपर मतलब पर्सनालिटी है. हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा है. हाँ. उसके बाद एक चीज और आया कि हमारे पास पहले पहले जब हम ऑस्कर खरीदते थे, तब हमारे पास सिर्फ एक ही ब्रीड, एक ही टाइप का ऑस्कर था. हाँ, टाइगर ऑस्कर. टाइगर ऑस्कर. उसके बाद आया हमारा एल्बाइनो, एल्बाइनो टाइगर, जो ये वाला है, ये वाला है. हाँ. उसके बाद आया ये वाला जो हम लोग बंगाल में मैंगो ऑस्कर बोलते हैं, बट ऑरेंज है ये. उसके बाद आया तुम्हारा लेमन ऑस्कर. उसके बाद अभी तो सुपर रेड भी आ गया. बहुत सारा वैरायटी. हाँ, बहुत सारा वैरायटी आया. बट सबसे जो बेस्ट वैरायटी अभी तक मुझे लगता है वो है ये वेल टेल वाला. ये तो मैं अगर बोलूँ तो मैं बहुत ढूंढा ये भेल टेल वाला ऑस्कर, मुझे अभी तक नहीं मिला. और मैं अभी नहीं ट्राई किया ढूंढने का. पहले जब छोटा था तब बहुत ट्राई किया, दुकान पे गया, बोला कि मुझे भेल टेल लेकर आकर दो, तो नहीं मिला. अभी मिल जाएगा, अभी तो मिल जाएगा, बहुत अवेलेबल हो गया. बट इसके जैसे साइज का वेल टेल नहीं मिलेगा. मैंने खुद से मतलब इतना दिन तक मैं फिश कीपिंग हॉबी में हूँ, इसके साइज जैसा वेल टेल अभी तक मैंने किसी के पास भी नहीं देखा. ये बहुत ज़्यादा यूनिक फिश, बहुत रेयर है, बहुत रेयर. तो यही था. और इसका टेल मतलब पहले बहुत बढ़िया था, बहुत. बट इसने ये वाला नीचे वाला, हाँ, नीचे हाँ, नीचे हाँ. इसने सब कुछ तोड़ फोड़ दिया. मतलब कुछ भी नहीं था ये जो उस पर अटैक किया, उसके बाद इसका टेल मतलब कुछ भी नहीं था. पूरा टूट गया इसका टेल, पूरा एक इसके तरफ, उसको हम बंगाली में झांटा कहते हैं ना, उसको क्या बोलता है इंग्लिश में, हिंदी में, आई डोंट नो, भूल गया, उसके जैसा हो गया था. हाँ. तो एक्चुअली
ऑस्कर फिश का झंझट भी बहुत कम है, कम है। मतलब तुम जो भी खिलाओगे खा लेगा, जिंदा कुछ भी खिलाओगे, जिंदा मुर्दा कुछ भी। मतलब किसी किसी का ऑस्कर तो वेजिटेबल्स भी खाता है। हाँ खाता है, मैंने देखा किसी किसी का ऑस्कर वेजिटेबल भी खाता है। तो मैं तो उतना लकी नहीं हूँ, इन लोगों को मुझे अभी तक नहीं हुआ। इन लोगों को मुझे सिर्फ मतलब नॉन वेज ही खिलाना पड़ता है, वेज अभी तक खाया नहीं। तो इसलिए मैं तो खुद को मानता हूँ मैं थोड़ा सा तो लकी हूँ कि मेरा ऑस्कर इतना बड़ा हो गया, इतना दिन तक सर्वाइव कर लिया। क्योंकि सबका ऑस्कर इतना दिन तक सर्वाइव करता नहीं है। हाँ, मेरा भी नहीं किया इतना दिन सर्वाइव। मतलब ये दो ऑस्कर मेरा फर्स्ट है जो इतना दिन सर्वाइव कर लिया। मतलब मैं एक चीज समझ गया, इन लोगों को ज़्यादा डिस्टर्ब करोगे, इधर उधर करोगे तो जाएगा। इन लोगों को इनके स्पेस में रहने दो, थोड़ा सा बड़ा जगह दे दो इसकी जैसा 6 फीट का, तो खुश रहेगा। और एक चीज़ मैं इसमें भी थोड़ा सा लकी हूँ कि ये वाला पेयर ब्रीडिंग पेयर है मेरा, एक मेल एक फीमेल है। ये तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, मतलब अभी कोई ब्रीडर मेरे पास आके बोलेगा तो मैं स्ट्रेट अन आउट इसका प्राइस 5000 बोलूँगा। मतलब ऐसा ही होता है एक ब्रीडिंग पेयर, वो भी इतना अच्छा कलर, इतना अच्छा साइज, कंडीशन में भी है, खुश है। और अभी तक इन लोगों ने एक ले नहीं किया क्योंकि कम्युनिटी टैंक है, तो एक ले नहीं करेगा। तो फर्स्ट टाइम एक ले भी करेगा, क्वालिटी होगा एग्स में तो बहुत सारा बहुत चीज है, बच्चा आएगा। बट मैं नहीं बेचूंगा ये तुम्हारा पर्सनल चॉइस है, मैं मुझे नहीं बेचना, मैं ही खुद एग्स उठा लूँगा। सो दैट्स इट अबाउट ऑस्कर्स। और कुछ बोलना है अबाउट ऑस्कर्स? नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि तुमने बहुत कुछ बोल दिया ऑस्कर के बारे में, तो इतना ही था। तो हॉबीज को जो अभी शुरू में है फिश कीपिंग हॉबी का, उन लोगों को रेफर करोगे ऑस्कर? क्यों? बिल्कुल भी नहीं। मतलब एक साल के बाद? एक साल बाद अगर उन लोगों में नॉलेज थोड़ा आ जाए कि कैसे रखते हैं फिश को, तो मैं बोलूंगा कि ठीक है, एक मिनिमम साइज का टैंक लो, उसके बाद ऑस्कर को रखो। हाँ, 3 फीट से 4 फीट का टैंक अगर नहीं हो तो ऑस्कर मत खरीदो, 2 फीट में नहीं रहेगा। नहीं, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तुम 2 फीट की उसके थोड़ा बड़ा टैंक खरीद चुके हो और उसमें ऑस्कर रख दिया, 1 महीना 2 महीना बिल्कुल बहुत अच्छा तरीके से जाएगा। 5-6 महीने के बाद ना तुमको भी लगेगा कि ये भी टैंक में नहीं दिख रहा, अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको तुम बाहर नहीं रख सकते, तब बहुत बड़ा हो जाएगा। और इसके साथ 2 गोल्ड फिश, मतलब छोटा फिश रहेगा भी नहीं, नहीं रहेगा, सबको खा लेगा। हाँ, मॉन्स्टर फिश ही रखना पड़ेगा तुमको, और मॉन्स्टर फिश उतना छोटा टैंक में नहीं आएगा, तो बहुत दिक्कत है। इसलिए बोल रहा हूँ कि एक मिनिमम साइज का टैंक लो, थोड़ा सा एक्सपीरियंस गैदर कर लो, उसके बाद ऑस्कर को लेगा। तो ठीक है, इतना ही था ऑस्कर के बारे में। तो दैट्स इट गाइज, इफ यू हैवंट अंडरस्टूड द हिंदी डोंट वरी, we are going to come back again in English after a few days. So because of Ronnie, we are doing the videos in Hindi. So goodbye for today. We are going to come back again in another video, another day. Bye.